आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अपने करीबी पर कार्रवाई होने पर भड़क गए। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी थी। इसके साथ ही आकाश यादव की जगह पटना यूनिवर्सिटी के छात्र गगन कुमार को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इस बदलाव से तेज प्रताप भड़क गए और उन्होंने जगदानंद को पार्टी का संविधान याद दिलाया। हालांकि कार्रवाई से पहले जगदानंद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद ही आकाश यादव को पद से हटाया। छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने से नाराज तेज प्रताप ने ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ हुआ। इस कार्रवाई पर जगदानंद सिंह ने सफाई दी और कहा कि पद खाली था इसलिए नए नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं किसी को नहीं हटाया हूँ, मैं बनाया ही नहीं था तो हटाऊंगा कुछ, यानी जरा ख्याल कर लो। ये जो पद रिक्त था उस पद पर एक विश्वविद्यालय का छात्र आज है और विश्वविद्यालय का छात्र है और तो वहीं छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया। उन्होंने इसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला बताया। अब आप वही बेहतर बता सकते हैं, इसमें तो हम हमारा कोई हस्तक्षेप है नहीं। लेकिन क्या तेजस्वी जी, आप एक बात समझ जाइए, मेरा कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इस मामले में। जगदा बाबू स्वतंत्र है, प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। बेहतर होगा अगर किसी चीज को लेके अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें हम बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे जितना बेहतर जवाब। वहीं आरजेडी में मचे घमासान पर जेडीयू ने चुटकी ली और लालू की पार्टी में चल रहे घमासान पर आरजेडी को निशाने पर लिया। राजद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है, ऐसी दुर्दशा देखी न जाएगी।